कुछ लोगों को वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स में कंफ्यूजन था. देखिए, कंफ्यूजन उनको इफ्लक्स में नहीं था, उनको ये कंफ्यूजन हो गया था कि ये जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है, यहां से पानी गिर रहा है, और उसी के जस्ट बाद हम वेंचुरिटी बताए थे. तो कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो गया कि यहां से पानी निकल रहा है. मैंने कब कहा कि यहां से पानी निकल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स यहां क्यों निकाल रहे थे? ठीक है, ये तो कॉलम है जिसमें खास हाइट तक आके पानी रुक जा रहा है. ठीक है, पानी को हम गिरने नहीं दे रहे हैं ऊपर से. गिर रहा होता तब ना आप कहते वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स. तो गिरने कहां दे रहे हैं? सब में पानी जाके एक सर्टेन प्रेशर जब यहां पे आ जा रहा है तो उतना को ये बैलेंस करके रुका हुआ है. यहां के प्रेशर को ये बैलेंस करके रुका हुआ है. पानी जा किधर से रहा है? तो वो तो इधर से जा रहा है. पानी बाहर यहां से नहीं निकल रहा है. तो इसको वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स से कोई मतलब नहीं है. ठीक है, यहां इसको मतलब ये है कि ये जो रो जी एच आएगा, या पानी का आपने सिग्मा लिया हुआ है तो व्हाटएवर जो भी, तो इसका एच वन और रो जी एच टू, तो ये यहाँ के प्रेशर को बैलेंस कर रहा होगा और ये यहाँ के प्रेशर को बैलेंस कर रहा होगा. आप जानते हैं कि किसी में किसी भी स्टैटिक फ्लूइड का अगर आप प्रेशर लेंगे तो बॉटम पे रो जी एच एक्सेस प्रेशर आएगा, ऊपर में एटमोस्फेरिक प्रेशर है, एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच यहाँ का प्रेशर हो जाएगा. ठीक है, उसको हम लोगों ने जोड़ा बर्नौली थ्योरम से. तो बर्नौली थ्योरम आपको कभी स्टैटिक फ्लूइड में लगाए थे क्या आप? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं ना अक्सर उसमें, लेकिन आप कहेंगे कि क्या जहां काइनेटिक एनर्जी नहीं है वहां प्रेशर और एमजीएस से काम चला लेंगे? तो हाँ चला लेंगे. अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं थ्योरम सब जगह लगेगा, तो कहेंगे हाँ लगेगा. ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए, छोड़िए उतना फिलोसफी पे मत अभी जाइए. आप सिंपल ये कीजिए कि पानी हम प्रेशर कहाँ का नाप रहे हैं? इस ट्यूब के अंदर का नाप रहे हैं. वो प्रेशर हमको कौन बता रहा है? तो ये वाटर कॉलम बता रहा है. बस एकदम सिंपल बात. ठीक है, ये वाटर कॉलम यहाँ का प्रेशर बता रहा है, ये वाटर यहाँ प्रेशर बता रहा है. ठीक है, तो हम चूंकि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो अलग अलग है, तो कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है. तो कह सकते हैं कि बर्नौली थ्योरम से काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है तो प्रेशर एनर्जी भी अलग अलग होगा. ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज नहीं होने जा रहा है. यहाँ का वेलोसिटी अलग, यहाँ का वेलोसिटी अलग, एमजीएच यहाँ का एमजीएच सेम, वो अलग नहीं होने जा रहा है. तो सिर्फ हमको किससे मतलब है? प्रेशर से और काइनेटिक एनर्जी से. ठीक है, तो पी वन काइनेटिक एनर्जी वन विल बी पी टू काइनेटिक एनर्जी टू. ठीक, प्लस तो एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, दूसरे को घटाएंगे तो ये पहले को घटाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा, कुछ नहीं है. तो आप जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से सेम अमाउंट ऑफ वाटर यहां से घुस रहा है और यहां निकल रहा है. तो यूनिट टाइम में यहां पे अगर इतना दूरी तय किया तो जो अमाउंट ऑफ वाटर आएगा यूनिट टाइम में, यहां पे इतने ही से काम नहीं चलेगा. ये वाला वॉल्यूम यहां पे इतना हो जाएगा, तो सेम टाइम में इसको यहां से यहां भागना पड़ेगा. ठीक है, तो इसका मतलब वेलोसिटी यहां पे काफी ज्यादा होगा, और जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगा वहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा. और जब प्रेशर कम होगा तो उस प्रेशर को दिखाने के लिए जो हम जुगाड़ बनाए हुए हैं ये वाटर कॉलम. ठीक है, तब प्रेशर कम होगा तो कम एच में ही रोजी एच उसको बैलेंस कर देगा, तो इसलिए यहाँ पे हाइट कम होगा, वही यहाँ का प्रेशर दिखा देगा. यहाँ पे हाइट ज्यादा होगा वो वहां का यहाँ का प्रेशर दिखाएगा. ठीक है, प्रेशर यहाँ पे ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी ये प्रेशर एनर्जी ज्यादा होगा. तो प्रेशर ज्यादा रोजी एच ज्यादा, यानी कि हाइट ज्यादा. ठीक, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स की हम कुछ बात नहीं किए थे. ठीक है,
इफ्लक्स की बात यह है जब पानी को आप गिरने दे रहे हैं, यहाँ पे कहाँ कहीं पानी गिरने दे रहे हैं, तो पानी गिरने दे रहे हैं तो उस समय क्या वेलोसिटी आएगा, ये बात उसका नाम दे दिया गया था वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ठीक है, अब हम लोग कुछ कुछ छोटी छोटी चीज कॉन्सेप्ट को और इसमें देखेंगे, और आप लोग स्विंग बॉलिंग स्पिन बॉलिंग सब कर रहे होंगे अब, ठीक है, कुछ लोग बातों को भी घुमा देते हैं तो बातों को स्पिन कर देते हैं, और हवा में ही बातों को घुमा देंगे तो मतलब स्विंग कर देंगे। आते हैं इस पर, तो हम लोग थोड़ा देखना चाह रहे हैं कि स्टेडी फ्लो कुछ बजा मेरे थर्मो में ठीक है। एक एक दो आदमी लिख दीजिए जल्दी से, मेरी आवाज साफ साफ जा रही है, ये माइक चेंज हुआ है, देखिए कमेंट्स देखिए। यस यस, हाँ ठीक है ठीक है, ओके क्लियर। तो स्टेडी फ्लो थ्रू अ ट्यूब, कुछ कुछ चीजों का ये इंडस्ट्री एप्लीकेशन सटर पटर सब चल रहा है, वो सब देखते हैं। अच्छा, आप ध्यान रखिएगा कि आपको स्टेडी फ्लो बोले तब, ठीक है, लैमिनर फ्लो बोले तब, ठीक है, इक्वल टू का साइन दे दे, ठीक है, या आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो बोले तब, सब एक ही बात है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ये सब के सब एक ही बात है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिर्फ टर्बुलेंट जब बोलेगा तो वो अलग हो जाएगा, बाकी ये बोल रहा है तो एक ही बात है, ठीक है। अपने भाषा में बोलते हैं अस्थिर, अस्थिर होकर चल रहा है, पानी जो है स्थिर होकर चल रहा है, हिंदी में स्थिर, ठीक है, अपने भाषा में अस्थिर रहा, कोई ज्यादा तगड़ बगड़ करता है तो आप लोग बोलते हैं अस्थिर रहा, अस्थिर रहा, तो ये अस्थिर रहने वाली बात है, तो ये तीनों नाम अंग्रेजी में उसी के लिए आ रहा है, स्टेडी फ्लो थ्रू अ ट्यूब। तो क्या हुआ कि आप एक ट्यूब ले लीजिए, इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, यानी कि इसका एक रेडियस होगा, ठीक है, और यहां से यहां का प्रेशर डिफरेंस अगर पी ले ले, और बदमाशी करते हैं सर, अस्थिर होके बह रहा है, हल्ला होके नहीं बह रहा है, गड़गड़ गड़गड़ नहीं कर रहा है, ठीक है, आपके अंतड़ी में अगर खाना शांति से जा रहा है आगे, सेमी सॉलिड फूड है और साथ में आप पानी पीते हैं और आपका जो गैस्ट्रिक जूस है वो बनता है, सबके सब जब मिलके वो लिक्विड स्टेट में आगे बढ़ता है, तो अगर वो अस्थिर होकर आगे बढ़ रहा होगा तो आवाज नहीं करेगा, तो उसको बोलेंगे कि स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ये है वो है, लेकिन आपका पेरिस्टेल्सिस होता है और उसको दिस दैट करने लगता है डिस्टर्ब, तो वो टर्बुलेंट फ्लो होने लगता है, और ज्यादा टर्बुलेंट फ्लो होगा तो ज्यादा गड़गड़ गड़गड़ करेगा, ठीक है, गैसेस ज्यादा, तो आप कहते हैं कि गैस बन रहा है ज्यादा, ठीक है, तो उसमें आवाज भी होती है। तो आगे आते हैं, स्टेडी फ्लो लैमिनर फ्लो, तो ये फ्लो कर रहा है पानी इधर, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस है पी, आर ले लीजिए, ठीक है, तो हुआ कि कितना पानी फ्लो करेगा, ठीक है, जरा इससे कुछ रिश्ता है क्या इनका, ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जो हम लोगों ने देखा विस्कोसिटी में कि जो ट्यूब के टच में होगा वो रुका हुआ होगा, सबसे तेज कहां का पानी चल रहा होगा, तो सेंटर का, जैसे जैसे ट्यूब के पास जाएगा जो चिपका हुआ होगा उसका कम होगा, तो इसका मतलब ट्यूब के रेडियस से एक ठीक ठाक रिश्ता होने जा रहा है, किसका, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो सबसे पहले एक एक लाइन तो हम लोग लिख डाले कि द वेलोसिटी ऑफ फ्लो
ठीक है, इज मैक्सिमम एट द सेंटर एंड डिक्रीजेस टू जीरो एट द वॉल्स ठीक है। याद रखिएगा हमेशा जीरो मतलब ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि हम लोग रियल फ्लूइड्स की जब बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि दीवार में कोई रंग आपने लगा दिया है तो वो रंग अंदर की दीवार में लगा दिया है तो कभी भी वो पानी के साथ वो रंग नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है ठीक है। क्योंकि आप जो रंग भी लगाए हैं उसका कुछ ना कुछ मोटाई है ठीक है, और वहां पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगा। हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं वाटर के, वो एक पतला लेयर जो मॉलिक्यूलर लेवल का पतलापन होगा वो नहीं चल रहा होगा ठीक है। एंड डिक्रीजेस टू जीरो एट द वॉल्स, ये बात हो गई, जल्दी से नोट कीजिए, थोड़ा सा ज्यादा जगह ले लिए हम, पॉज कर। तो इट वॉज फाउंड कि इसमें आगे ही कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड यानी कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम ठीक है। इस पे जो मेजर वर्क था वो वाजा साहब का इंपॉर्टेंट वर्क था, तो इसलिए जो अभी हम लोग रिलेशन देख रहे हैं ये पॉइज़न इक्वेशन कहलाता है, जो इक्वेशन आएगा पॉइज़न रिलेशन हम लोग देख रहे हैं। तो वॉल्यूम बाय टाइम देखा गया कि आप बताइए, अच्छा इसमें वहां तो जाने से पहले इस तस्वीर के बगल में हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि प्रेशर यहां से यहां तक जो प्रेशर डिफरेंस है वो पी है, तो प्रेशर डिवाइडेड बाई लेंथ कर दे तो क्या वो प्रेशर ग्रेडियंट नहीं हो जाएगा। इस तस्वीर के बगल में हम लोग लिख सकते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू पी बाई एल ठीक। तो ग्रेडियंट क्या तय करेगा कि कितने लेंथ में कितना प्रेशर गिरा, यानी कि यूनिट लेंथ में कितना प्रेशर चेंज हुआ, तो प्रेशर ग्रेडियंट है। तो ये जो रेट ऑफ फ्लो क्या वो प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखिए, अभी प्रेशर ग्रेडियंट ठीक है, रेडियस से जो इसका रिश्ता आ रहा था वो आ रहा था आर टू द पावर फोर, बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी ये कि रेडियस से चार गुना। आप जानते हैं कि ये चारों तरफ है ना इसका वॉल, तो रेडियस बढ़ाते ही क्या वो जो लेमिना थे बहुत सारे जो लेयर्स थे वाटर के उनका अचानक संख्या बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा, तो रेट ऑफ फ्लो कई गुना बढ़ जाएगा एंड दैट इज आर टू द पावर फोर। अच्छा इसका विस्कोसिटी जो कल हम लोग देखे थे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर एग्जाम्पल, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो मतलब ये ज्यादा गाढ़ा होगा तो इसका बहना और मुश्किल होगा, यानी कि उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा 1/ईटा। तो अब नीचे वाला मिटा देते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट इसकी खाली तस्वीर के बगल में लिख लीजिएगा। एकदम समझते हुए चलते हैं आप लोग, तो ठीक है। अब जब इसको हम लोग ज्वाइन किए तो
प्रोपोर्शनिटी कांस्टेंट हटाएंगे, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू जो कांस्टेंट आता है वहां, ये आता है पाई बाय 8, ठीक है। प्रेशर ग्रेडिएंट लिख दीजिए पी बाय एल, रेडियस कितना आया था आर टू दी पावर 4, ईटा कहाँ आया था नीचे। तो दिस इक्वेशन देखिए, रेट ऑफ फ्लो यानी कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज गिवन बाय पाई बाय 8 पी आर टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय ईटा एल, ठीक है। तो कभी कभी इसको आपको कहा जाएगा कि डायमेंशन से बताइए, ये डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट पे, रेडियस पे और ईटा पे, हमको नहीं पता है कि ये रिश्ता क्या है, तो डायमेंशन एनालिसिस से बताइए। तो आप जानते हैं इस पर पावर दे देंगे पी बाई एल पे ए, आर पे दे देंगे बी, ईटा पे दे देंगे सी, और इधर का डायमेंशन हमको मालूम है वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टी। तो डायमेंशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी ऑलवेज इक्वल टू डायमेंशन ऑन द राइट हैंड साइड। डायमेंशनली इक्वेशन अगर इनकरेक्ट हो जाए, याद कीजिएगा फिर से मैं जो बोल रहा हूं, गौर कीजिए कि अगर इक्वेशन डायमेंशनली गलत हो जाए, रॉन्ग हो जाए, तो वो इक्वेशन रॉन्ग ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। इसलिए डायमेंशन दोनों तरफ का सेम होना चाहिए, गलत हो गया तो गड़बड़ है, ठीक। और अगर बोले कि क्या डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा तो वो इक्वेशन करेक्ट होगा, तो ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डायमेंशनली आप ये निकाल सकते हैं कि इनका ये से इसे क्या रिश्ता है, लेकिन ये कॉन्स्टेंट जो पाई बाई एट आया ये डायमेंशन एनालिसिस नहीं बताएगा। तो इक्वेशन तो ये है जो फाइनल रिलेशन है करेक्ट, तो ये पाई बाई एट ये एक्सपेरिमेंटली ही आएगा, ठीक है। और ये आप रिलेशन डायमेंशनली निकाल सकते हैं कि चलिए लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन। तो ये जो इस पे मेजर जो फ्लूइड मैकेनिक्स पे इन्होंने काम किया था वाजा साहब, इसलिए इस इक्वेशन को, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज ठीक है, लिखते हैं पॉइज़ियोले इक्वेशन, पढ़ते हैं पॉइज़ा इक्वेशन, ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है ताकि आप लोग को वीडियो में साफ साफ नजर आए, जब आप लोग क्लासरूम में थे तो थोड़ा छोटा से काम चल जाता था। तो आते हैं हम लोग कि तो पोआजा, तो पोआजा साहब जो थे वो फ्रेंच थे, और अगर आप कभी पेरिस घूमने जाएंगे तो आप पढ़ रहे होंगे कुछ और वो लोग वहां के लोग पढ़ रहे होंगे कुछ और उसी वर्ड को। तो आगे बढ़ते हैं कि अब अभी तक हम लोग देख रहे थे फ्लूइड के फ्रिक्शन का, अब हम लोग देखना चाहेंगे कि फ्लूइड में किसी सॉलिड को हम अगर मूव कराए उस बल्क के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि उसके भी उनके बीच भी एक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, उनके बीच भी एक फ्रिक्शन लगेगा, और उसको भी विस्कोसिटी ही कह देंगे। लेकिन कई बार होता है कि आप उसको क्या करेंगे कि हाँ क्या आवाज क्लियर है, ओके गुड, ठीक है ठीक है, अच्छा ये पूछा है आपने तो उन्होंने बताया कि ठीक है ऑल क्लियर है। तो मान लीजिए कि इसमें फ्लूइड में, ठीक है,
तो जाहिर सी बात है कि इस पे नीचे mg लगेगा, ठीक है। और आप लोग अब जानते हैं कि जितना ये पानी हटाया था, जितना ये पानी हटाया था, उस पानी के वेट के बराबर, हटे हुए पानी के वेट के बराबर इस पे बायंसी लगेगा ऊपर, फोर्स ऑफ बायंसी लगेगा ऊपर। क्लियर? ये मालूम है आपको? एक तो वो लग रहा होगा, और जब ये नीचे गिर रहा होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा यहां पे फ्लूइड फ्रिक्शन कहलाएगा, नो डाउट, और उसी का दूसरा नाम है विस्कोसिटी। तो फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो ये जो विस्कोसिटी के वजह से जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो भी ऊपर लग रहा होगा। अगर हम उसको एफ लिख दे तो वो भी ऊपर लग रहा होगा, तो ऊपर में बी प्लस एफ और नीचे में एम जी। तो वो ये नीचे गिरना चाह रहा है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो ऊपर लग रहा है, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, उसको अगर विस्कस ड्रैग फोर्स कह दे तो क्या कुछ अलग हो जाएगा? वो नहीं। ड्रैग, डी आर ए जी, ड्रैग, ड्रैग मीन्स घसीटना। तो ये नीचे गिर रहा है, वो उसको ऊपर घसीटने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसको कभी कभी विस्कस ड्रैग फोर्स लिखेंगे या सिर्फ विस्कस ड्रैग लिख देंगे। ड्रैग अल्टीमेटली वो फोर्स है जिससे घसीटा जा रहा है, तो विस्कस ड्रैग लिख देंगे, चलेगा। तो अब ये जो रिलेशन था, ठीक है, इस पे जो लॉ दिया गया उसका नाम है स्टोक्स लॉ, ठीक है। तो स्टोक्स लॉ हम लोग देखने से पहले ये बात बताइए कि ये जितना इसको वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्या यूनिट टाइम में उतने ही ज्यादा फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स उससे टकराएंगे? नहीं, ठीक है। इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब जो विस्कस ड्रैग फोर्स है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, और इनफैक्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो उसको एक तरफ तस्वीर को रहने देंगे, इसी बीच में कहीं पे उतार देंगे। पहले हम लोग लिखते हैं, क्या इस सेशन में 2 मिनट्स रिमेनिंग है? अच्छा, चलिए स्टार्ट कर देंगे हम लोग स्टोक्स लॉ, ठीक है। स्टोक्स लॉ जो है, अभी तक हम लोग लिक्विड लिक्विड पढ़ रहे थे, मतलब फ्लूइड के अंदर पढ़ रहे थे। अब कह रहा है ये कि व्हेन ए सॉलिड बॉडी इज अरे यार ये तो अलग परेशान करता हाँ व्हेन ए सॉलिड बॉडी इज मूव्ड थ्रू जंक कॉल्स आ जाते हैं। आज लोग इतना फुर्सत में बैठे हुए हैं कि क्या कहते हैं, कभी बैंक का नाम लेके, कभी कुछ नाम लेके, कभी इधर से उधर से कॉल करते रहेंगे और लोगों को उल्लू बनाने का भी कोशिश करेंगे। When a solid body is moved through a fluid, when a solid body is moved through a fluid, it experiences move through a fluid, it experiences viscous drag. अब विस्कस ड्रैग क्या है हम लोग लिख दिए हैं, विस्कस ड्रैग व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। बताइए, टाइम हो गया फिनिश इसका? हम लोग सेशन को रीस्टार्ट कर रहे हैं। So when a solid body is moved through a fluid, it experiences viscous drag, which is proportional to velocity. ठीक है? तो
थोड़ा अगर उल्टा रह जाता है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो फिर गड़बड़ होने लगता है. इफ अ स्फीयर, बॉल की जगह स्फीयर लिखिए, स्फीयर, स्फीयर लेते हैं एक, इज अलाउड टू फॉल फ्रीली, कहां भाई, इन ए फ्लूइड, इन ए फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा. ये बुक का लैंग्वेज लिखना जरूरी नहीं है, विस्कोसिटी ईटा तब भी लिख डालिए, क्योंकि इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी कई बार खूब आते हैं. तो इफ अ स्फीयर इज अलाउड टू फॉल फ्रीली इन अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ठीक है, और स्फीयर का रेडियस यहीं पर लिख दीजिएगा, रेडियस आर ले रहे हैं कुछ भी, ठीक है. तो विस्कस ड्रैग फोर्स, ये तो एक्सेलरेशन होगा जब फ्रीली हमने छोड़ा है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ता जाएगा विस्कस ड्रैग फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है वो भी बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते, ठीक है, एक समय में वो इतना हो जाएगा कि ऊपर वाला फोर्स mg के बराबर हो जाएगा, तो इस स्फीयर पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन समाप्त हो जाएगा. तो उस समय जो वेलोसिटी ये अटेंड कर चुका था, अब उसी वेलोसिटी से ये आगे गिरता रहेगा, ठीक है. हम दिखाने के लिए इतना छोटा सा कंटेनर लिए हैं, आप किसी लंबे में सोचिए कि गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था, बढ़ते गया, और एक समय के बाद उसकी जो वेलोसिटी थी वो फिक्स हो गई, और उससे वो बाकी का नीचे का दूरी तय किया. क्लियर है? तो इसका मतलब वेलोसिटी विल नॉट कीप ऑन इंक्रीजिंग. ठीक, जैसे अगर आप वैक्यूम में किसी चीज को गिरा देंगे तो टाइम के साथ, ठीक है, एक बार और सर फिर से, ओके, तो टाइम के साथ अगर आप वैक्यूम में गिराते हैं किसी चीज को, या एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं, जो कि आज तक आप लोग न्यूटन्स लॉ में सब चीज में करते रहे हैं, तो उसका जो वेलोसिटी है वी बराबर यू प्लस ए टी, ये बढ़ता जाएगा टाइम के साथ, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है लगातार, यहाँ पे जी टी है, तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा. लेकिन यहाँ पे एक फोर्स है, जब ये वेलोसिटी बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ जा रहा है, और उसके वो एम जी के खिलाफ है, जो एक्सेलरेट करा रहा था उसके बिल्कुल वो अगेंस्ट है, ऊपर की तरफ है, तो वो फोर्स बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा. जब वो फोर्स बढ़ता जाएगा तो ये जो जी था, ठीक है, इस जी एक्सेलरेशन को, नेट एक्सेलरेशन जी माइनस ए होता जाएगा, और ए किसके वजह से था, उस फोर्स के, तो धीरे 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 वो ऊपर की तरफ का फोर्स बढ़ता जाएगा, जो छोटका जी के बराबर हो जाएगा जब, तो जी माइनस जी जीरो हो जाएगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा. दूसरे शब्दों में ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है, इतना फोर्स लगने लगेगा कि नीचे का फोर्स ऊपर का फोर्स बराबर हो गया. ठीक, पहले ऊपर का फोर्स कम था तो इसलिए नीचे की तरफ एक्सेलरेट करते जा रहा था, एक्सेलरेट करने वजह से वेलोसिटी बढ़ रहा था, वेलोसिटी बढ़ने वजह से ऊपर वाली फोर्स बढ़ रहे थे, ऊपर वाला फोर्स बढ़ते गया तो इतना बढ़ा कि दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दिए. ठीक है, और जब कैंसिल कर दिए तो उस समय जो फाइनल वेलोसिटी मिला था, अब वो वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी अब नहीं होगा, उस वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक है, टर्मिनल मतलब, ठीक है, एक किनारा वाला हो गया, वो किनारे की वेलोसिटी हमको मिल गई. वेलोसिटी इज अलाउड टू फॉल फ्रीली इन अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ठीक है, इट्स वेलोसिटी एज वेल एज विस्कस ड्रैग increases, ठीक है, at after a time, चलिए, after a time the upward force
इक्वल्स एम जी, ठीक है, और ऊपर वाला तो हो ही गया था, इक्वल्स एम जी। क्योंकि वो बढ़ते जा रहा था, बढ़ते बढ़ते जब एक वैसा वक्त आया कि वो एम जी के बराबर हो गया। आफ्टर ए टाइम द अपवर्ड फोर्स इक्वल्स एम जी, कॉमा देखे उसी में एंड आगे लिख दीजिए, द अपवर्ड फोर्स इक्वल्स एम जी, ठीक है, एंड द बॉडी स्टॉप्स एक्सेलरेशन, ठीक है, आफ्टर दैट द बॉडी फॉल्स विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी विच इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो हम लोगों ने स्टोक्स लॉ में देखा कि जो विस्कस ड्रैग फोर्स एफ है, ये जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी था और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आता है। जो स्टोक्स लॉ का सीधा जो उन्होंने कहा वो देखिए, हर बार सबको अलगे अलगे प्रोपोर्शनल लिखना जरूरी नहीं है, कंफ्यूज होने लगते हैं आप लोग। यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो 6 पाई आता है, ईटा आर वी। तो ये कहता है स्टोक्स लॉ।